कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और असामान्य लिपिड यानी वसा के स्तर वाले लोगों को टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह होना सामान्य है। ये वीडियो आपको दिखाएगा इन सभी चिकित्सीय स्थितियों के होने से आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह के अपने जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप है तो इसका मतलब यह है कि रक्त जैसे बल के साथ आपकी रक्तवाहिका की दीवारों पर दबाव डाल रहा है वो बहुत ज्यादा है। जब आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप ज्यादा होता है तब आपके हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप वाले कुछ लोगों में टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह विकसित हो सकता है। यदि आपके रक्त में लिपिड्स यानी वसा का स्तर असामान्य है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, वो बहुत अधिक है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जाना जाता है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, या आपके ट्राइग्लिसराइड, जिसे रक्त में मौजूद वसा के रूप में भी जाना जाता है, उसका स्तर बहुत अधिक हो सकता है। आपको एक ही समय में लिपिड से संबंधित असामान्यताओं में से एक से अधिक हो सकती है। लिपिड में असामान्य स्तर वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह विकसित होने की दर अधिक होती है। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर यानी रक्त में शर्करा की मात्रा एलिवेटेड यानी बढ़ी हुई होती है। समय के साथ हाई ब्लड शुगर यानी रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा आपके हृदय की रक्तवाहिकाओं को और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, लिपिड यानी वसा का असामान्य स्तर और टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह होने से आप कई तरह से प्रभावित हो सकते हैं। आपको अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हृदय की धमनियों से संबंधित बीमारी, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का दौरा और यहां तक कि मृत्यु का भी उच्च जोखिम होगा। आपको अपना ध्यान रखने में किसी व्यक्ति की मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। आपको अधिक दवाइयां लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। ऐसी स्थितियों के साथ जीना निराशाजनक हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि कई चीजें हैं जो आप अपने टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह विकसित होने के अपने जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ने के लिए आपको जो भी मदद की आवश्यकता है उसे प्राप्त करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें या उस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक वजन कम करें। कम वसा वाले और कम सोडियम वाले खाद्य पदार्थों के सहित की एक स्वस्थ आहार योजना का पालन करें और अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से आपके लिए शारीरिक गतिविधि की सही मात्रा तय करने के बारे में बात करें। सुनिश्चित करें कि आप अपने ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप और लिपिड यानी वसा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा सूचित की गई दवाइयां लेना भी शामिल है। आपके और आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा चर्चा की गई उपचार योजना का अनुसरण करने से आपको बेहतर महसूस करने में और टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुप्रमेह होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।